हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीआईसी का मॉडल पेपर। जिस हिसाब से आप लोग परेशान थे जीआईसी के मॉडल पेपर के लिए, आज हम लोग वही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपका मॉडल पेपर भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए करने के लिए। तो आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर में मैं आज 24 से 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये फुल का फुल वो आपके एग्ज़ाम के लिए ही होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए, आराम से इसको डाउनलोड करिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग ये मॉडर्न फिजिक्स का है, मॉडर्न फिजिक्स का हम लोग ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का मैंने लेक्चर उसे लिए हैं पर आई थिंक इनफ नहीं होगा आपके लिए उतना मॉडर्न फिजिक्स, तो इसलिए मैंने ये आपको मॉडर्न फिजिक्स का आज ये स्टार्ट कर दिया है। अब डेली आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे और वो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या का सूत्र होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है बच्चे ने, देखिए। तो ये आपका हो जाएगा SH H H/2π और √SH+1 ब्रैकेट में H। ये रूट या पूरा का पूरा दिया हुआ है, आपको ये याद रखना है पूरा का पूरा, जिससे आपको समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी एक भी याद रखना है फॉर्मूला, हाइजन का अनिश्चितता का सिद्धांत जो दिया हुआ है जिसने, ΔP ΔX H/2π। कभी कभी ये H/2π की जगह पर NH/4π भी कर देता है, या NH/2π भी कर देता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें हो जाएगा लेप्टॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए आपके लिए, हाफ इंटीजर स्पिन, इंटीजर स्पिन एंड जीरो स्पिन, नन ऑफ द दीज। तो इसमें आपका ये सोचना है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल्स में मेसॉन्स होते हैं, ये सभी आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इसके अनुसार आपका ये हो जाएगा आंसर हाफ इंटीजर इंटीजर्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाफ 1/2। देखिए आपको पढ़ा होगा ना, हाफ स्पिन प्लस की तरफ और हाफ स्पिन माइनस की तरफ, यही वाला आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से उठाए गए हैं, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन सही से देखने हैं और सही से इनको पढ़ना भी है, क्योंकि ये एग्जाम में ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स इज टू, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक देखिए न्यूक्लियस दिया हुआ है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ये राउंड लगा होता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना होती है, तो इसका साइज पूछा है इसने, इस वाले न्यूक्लियस का साइज पूछा है। तो न्यूक्लियस का साइज कितना हो जाएगा, 10^15 मीटर यहाँ पे होना चाहिए, मीटर, ये भी मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10^-14 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें सही है। अब एक चीज आपको इसमें और देखिए, 1 फर्मी इज इक्वल कितना होता है, 10^-15 मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपका यूनिट डायमेंशन में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं इसमें। जैसे कि ये दिया है, इफ द न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स वेयर टू द मेडिटेड बाई अ मेसॉन, रेस्ट एनर्जी इज 500 MeV, द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स वुड बी, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं 0, 2F, 3F, 2π, 75 फोर्स। ठीक है, एफ दिया हुआ, मतलब एफ का मतलब फोर्स है, तो मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखना है, ये तो थर्मिकल क्वेश्चन बेसिक से है, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है 500 MeV, आपको ये याद रखना है। ठीक है, मेसॉन की रेस्ट एनर्जी 500 MeV होती है, 0 नहीं होगा, 2F नहीं होगा, 3F नहीं होगा, तो क्या बचा आपका, 2.75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं और डेली मुझे अदर क्लासेस भी लेनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है ना, अब इसमें दिया हुआ है 5 नंबर, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम द कंसिस्ट ऑफ द, ठीक है, कंसिस्ट कहाँ पे कंसिस्ट करता है ये आपको बताना है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय द क्लाउड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ओके, ये आपका हो गया। इसके आगे इसमें दिया हुआ है, और
एक सेकेंड। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आइडेंटिफाइड ऑर्बिट्स, ये भी नहीं, एंड सेम एज बी अबव विद द इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग ए रिजिड स्फीयर। इसमें आपके ये पांचों ऑप्शन मैंने दे दिए, फिर से आप पढ़ लीजिए एक बार। थोड़ा सा उसको कम जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन पूरा दिख जाए, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपकी स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन नहीं दिखता है, इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा इस हिसाब से टाइप करवाया है कि दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ दिस कंसिस्ट ऑफ दिस स्पेशल मॉडल। हाँ ठीक है, तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा, देखिए समझ लीजिए, ये है आपका एक एटम, एटम के बीच में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ये सभी का सभी पॉजिटिव चार्ज अभी मैं बता के आया हूँ आपको, और ये सब क्या होता है निगेटिव। तो ये सब अगर निगेटिव होंगे और ये सब पॉजिटिव होगा तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय द क्लाउड ऑफ द निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा बीच में पॉजिटिव होगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप आगे चलते हैं, मोजलेज लॉ इज कंसर्न्ड विद कंटिन्यूअस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, गेम्स एक्सरे, गेम्स नहीं गामास, गामा एक्सरे, ठीक है, एंड बीटा रेज, ये आपको याद रखना है। इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस एक्सरेज, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, पर बेसिक का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ये एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि जो चीजें पूछी नहीं जाती है वो एग्जाम में जरूर आती है, तो ये आपका आंसर इसमें ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए ये दिया हुआ है, इसमें एनवी बोर कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षा की त्रिज्या तथा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात होता है। तो ये मैंने कुछ आपके लिए बेसिक फॉर्मूले लिख रखे हैं जिससे आपको ये थोड़ा समझने में भी आसानी रहे, और आपको ये भी याद रहे कि ये एक्चुअल में कैसे फॉर्मूले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। इसमें दिया हुआ है किसी भी एटम का जो रेडियस होता है, ये रेडियस हो गया, इस रेडियस की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सेल पे करती है। अगर हम सेल के नंबर्स बढ़ा देंगे, अगर सेल के नंबर्स बढ़ा देंगे 1 2 3 4 5, तो रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। रेडियस बढ़ेगी तो क्या होगा, आयनन क्षमता घट जाएगी, ठीक है। तो आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, एनर्जी के लिए भी दिया हुआ है, ये होता है एनर्जी के लिए भी आपको याद रखना है, दोनों के दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। एक फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एम वी आर इज इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बोर्ड्स लॉ का है और ये फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना है। ये क्या है, कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, तो ये भी आपको याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एनवी बोर कक्षा के लिए हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए कक्षा की त्रिज्या तथा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपको पता होगी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल पी बाई, सॉरी एच बाई एम वी, ठीक है, ये होता है। तो ये आप यहाँ पर रख देंगे, तो इसको और इसका रेशियो पूछा है, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर एन आ जाता है, तो यहाँ से बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज जाते हैं, इसलिए ये वाला और ये वाला जब दोनों मिक्स करेंगे तो यहाँ पर आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम स्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग तथा प्रकाश के वेग का अनुपात क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल सा है, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो सी सी आपका होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और यहां से जो भी आता है वो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा है, इसमें आपका यही आंसर हो जाएगा, वी बाई सी इज इक्वल 1/37, 3137, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन और देख लीजिए, जरा मैं बताता हूँ आपको, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा वी इज इक्वल वी प्रोपोर्शनल 1/n, ये भी याद रखना है, आर एन प्रोपोर्शनल टू 1/n² / z याद रखना है। इसके लिए मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आर वन रेशियो आर टू इज इक्वल
1:4, ये आपको याद रखना है। यहाँ से वेलोसिटी एंड फर्स्ट ऑर्बिटल एंड सेकेंड ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा, 1:2:1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनर्जी 1, एनर्जी 2 भी आपको याद रखना है, 1:4:1, ठीक है। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको ये फॉर्मूले एज इट इज ऐसे ही याद रखने हैं क्योंकि यही सब एग्जाम में आएंगे। फिर दिया है हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को n बराबर 3 कक्षा में उत्तेजित किया जाता है तो प्रेक्षित स्पेक्ट्रम की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ, वो फॉर्मूला आप देख लीजिए बस। उत्तेजित के लिए दिया हुआ है तो कितना दिया है, 3 × 3 से 1 घटाओ कितना हो गया, 3 − 1 कितना हो गया, यहाँ पे जगह 2, 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब इतना हो जाएगा 6, कैसे निकाला, n − 1। ये आपका उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए रेखा निकालनी होती है, वो रेखाएं ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, एक बोहर मैग्नेट्रॉन का मान होता है, ठीक है, ये तो ये कितना होता है, 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पीयर मीटर स्क्वायर, या 9.27 × 10⁻²⁸ एम्पीयर मीटर स्क्वायर, 9.27 × 10⁻³² या 9.27 × 10⁻⁷ एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका आंसर इसमें क्लियर हो जाएगा, कौन सा, ये आपका आंसर हो जाएगा 28 वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा। एक मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीजें देख लेते हैं। 10 नंबर दिया हुआ है, जो होगा यही, सॉरी सेंटीमीटर में, चक्कर में गड़बड़ हो गया, ये सेंटीमीटर में हो जाता अगर होता तो, ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा। मैं जो है कलर बढ़िया सा ले लेता हूँ आपके लिए, जिससे आपको अच्छा लगे थोड़ा सा, तो आपका सही सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर पूरा सही हो जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना। फिर आगे इसमें हम लोग चलते हैं 11 नंबर पे, आज मैं थोड़े कम क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी सी, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस कम है आज, हालांकि क्वेश्चंस की क्वांटिटी तो ठीक है, पर थोड़ा सा ये भी देखना रहता है कि अदर क्लासेस भी बाउंड ना हो जाए। पामर स्टडी के द्वितीय संदर्श के तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो आपको ये याद रखना है कि ये पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला अगर आपने याद रखा तो आपके आधे सवाल ऐसे निकल जाएंगे। अगर आपको सबसे बड़ी निकालनी है तो यहाँ पर जो मान लो हमने, अच्छा एक सेकंड मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका लाइमन, लाइमन एक हो गया, बामर, बामर एक हो गया, पाश्चन एक हो गया, ब्रेकेट एक हो गया, फुंड। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैक्सिमम निकालनी है तो यहाँ पर रखेंगे N2 की वैल्यू, यहाँ पर ये दिया है N2, N2 की वैल्यू देखिए, ये है N1 की वैल्यू, ये है N2 की वैल्यू, N2 के लिए कितने रखेंगे मैक्सिमम के लिए, 2, यहाँ 3, 4, 5 और 6, मिनिमम के लिए कितने रखेंगे, इन्फिनिटी, सभी में इन्फिनिटी, बस इसी फॉर्मूले से सारा का सारा आपका मामला निकल आएगा, ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा 16/3, आप कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए जरा, देखिए बामर श्रेणी के द्वितीय सदस्य की, द्वितीय सदस्य के मतलब क्या है, 2, और यहाँ पे कितना रखना है, 3, 2 और 3 रखेंगे तो घटा सॉल्व करने ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन बामन पाशन ब्रैकेट सभी की श्रेणी सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, देखिए मैंने पहले लिख रखा है आपके लिए यहाँ पर, ये आपको समझना है कैसे क्या होगा, पहले चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए, बढ़िया से ले लेता हूँ दूसरा कलर। तो ये देखिए ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आपको सारे के सारे मान रख देने, मैक्सिमम के लिए एन बराबर एन टू रख देना है और ये रख देना है, ठीक है। अगर अभी सोचे कि अगर एक ही श्रेणी में एक ही जगह पर दोनों हो तो क्या होगा, एन बराबर एन टू हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है ना, तो इससे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाली वैल्यू का जो जो भी मान आएगा वो ऐसे रहे, ठीक है ना। फिर दिया है कॉम्पटन प्रभाव का सूत्र क्या होता है, तो शिफ्ट वाली जो वेलोसिटी और वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वही होता है इसमें, देखिए मैंने फॉर्मूला आपके लिए पहले से लिख दिया है क्योंकि
हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसको टाइप नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिए, इससे एक जरूर फॉर्मूला, इससे एक जरूर क्वेश्चन बनेगा, याद कर रखिए। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल एच बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें सारे के सारे क्या है, सारे के सारे गलत है, ये सारे के सारे गलत है, ठीक है ना, इसमें ये आपका सही है, ठीक है। फिर इसके आगे दिया है जीवांश तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध होता है, तो जीवांश जो दिया हुआ है जीमैन, जीमैन शिफ्ट क्या होता है, एक्चुअली में डेल्टा भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन और 4π b, ओ सॉरी यहाँ पर m होगा, यहाँ पर m होगा, ठीक है। ये आपका जीमान शिफ्ट होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, eb/m, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला पूरा का पूरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग चलते हैं आगे, डी ब्रॉगली की तरंग सिद्धांत किसे कहते हैं। ये सभी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा, इसलिए मैंने ज्यादा इस पर डीपली चीजें नहीं करी, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया उसी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एच इज इक्वल पी इंटू लैमडा, ये कुछ फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज किए, इन फॉर्मूले को चेंज इसलिए किया क्योंकि कभी कभी ऐसा करता है एग्जामिनर को चेंज कर देता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो ई इज इक्वल mc² होता है, ई इज इक्वल एच न्यू होता है, न्यू बराबर hc/λ होता है, ठीक है ना, ये सभी होता है। तो ये आपको याद रखना है इसमें कि ई इज इक्वल mc² बराबर एच न्यू, इसको चिन्ह सी लेमडा हो जाएगा, hc/λ, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारा पी, ये बनेगा हमारा एच, ये बनेगा हमारा लेमडा, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए, फिर से एक बार देखिए, तो यहाँ से कई सारे फॉर्मूले, लेमडा इसको निकलता है फॉर्मूला, लैम्डा इसको निकलता है 1 2 3 7 5/v, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ई इज इक्वल एच न्यू मिलकर hc/λ, यहाँ से बहुत सारे का होते हैं, यहाँ पर जो ये लैम्डा दिया हुआ है और ये जो ई दिया हुआ है, यहाँ पर समझिए इस वाली और इस वाले का फॉर्मूला सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा कितना, लैम्डा इज इक्वल 1 2 3 7 5 बाई 5 बाई डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक चलिए और फॉर्मूला बताता हूँ, 1/2 mv² इज इक्वल hν - hν₀, ठीक है। ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में पूछ रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसमें दिया हुआ है आपका एक्स किरण के कंपटन प्रभाव की प्रकाशीय संधारणीय घटना होती है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, रेले का प्रकीर्णन पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, रमन प्रकीर्णन एंड, और कौन सा दिया हुआ है, द्वि अपवर्तन, द्वि अपवर्तन, ये आपका क्या हो जाएगा, तो द्वि इसमें हो जाएगा रमन प्रकीर्णन, चेक कर लेना एक बार, इसमें यही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन सही है, 16 नंबर 16, इसमें रमन इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि रमन भैया ने इसकी खोज की थी। पहले एक बहुत पुराना बढ़िया सीरियल आता था इशिता वाला, आप लोग शायद देखते होंगे, तो उसमें ये सभी चीजें बताता रहता था कि भैया क्या, किसने कर दिया, क्यों कर दिया, काहे के लिए हो गया, ये सभी चीजें बताता। एक्स किरणों के कांपण प्रभाव प्रकाशीय समधर्मिता की परिघटना होती है, तो ये आपका हो जाएगा रमन स्कैटरिंग, क्या रहता है, मैं रमन इफेक्ट होगा क्योंकि तो चीजें और कहीं से बनी ही नहीं है अभी तक। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखते देखते हो जाएंगे कि मतलब इसमें रनम इफेक्ट ही होगा, ठीक है। एक फार्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो वो आप याद रखिए, डेल्टा 1/m0c1 - cos θ, यहाँ क्या रहेगा लैम्डा, ये आपको याद रखिए। रेले भैया को याद रखिए, रेले भैया को आई प्रपोजनल टू 1/λ4 याद रखिए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये याद रखिए, ठीक है ना, ये सारे मैराथन में अपलोडेड हैं क्लासेस। फिर इसमें दिया हुआ है आपका कंपटन प्रभाव, जूम कर देता हूँ, ये क्या हो गया,
प्रभाव द्वारा निम्न के बारे में सूचना प्राप्त होती है। ये देखिए, तो देख लिया ना आपने, मैं जुम कर देता हूँ थोड़ा सा। कांपटर प्रभाव द्वारा निम्न के बारे में सूचना प्राप्त होती है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ए प्रकाश की तरंग प्रकृति में बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रकाश के अंतर्गत वेव नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो जो ये वैल्यू एक सेकंड जो ये कंपन प्रभाव था ना, वो जीवन शिफ्ट और उस पर दिया हुआ था, इसलिए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कणिकामय हो जाएगा, मीन्स ड्यूल नेचर के बारे में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे इसमें दिया हुआ, कंपटन प्रभाव में तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन निर्भर करता है, तो ये आपका क्वेश्चन है प्रकीर्णन, इसको कर देता हूँ सबसे से क्वेश्चन देख सकते हैं। कंपटन प्रभाव में तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन निर्भर करता है प्रकीर्णन के गुणों पर, आपतित विकिरण के प्रकार, तरंग दैर्ध्य पर, प्रकीर्णन कोण पर, तीनों पर। ये आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं जरा देख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हिंदी में लिखे हुए समझ में नहीं आ रहे मुझे। ये इसमें आपका हो जाएगा कंपटन प्रभाव निर्भर करती है। ठीक है, कंपटन प्रभाव मतलब डिपेंड करती है, लैम्डा की वैल्यू पूछी है, लैम्डा की वैल्यू पूछी है, गुणों पर करती है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी तीनों हो जाएंगे इससे, ये तीनों वैल्यू क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, दो क्वेश्चंस। रमन प्रभाव, प्रभाव अचल लिखा हुआ है, इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। प्रभाव में प्रकट प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का तरंग दैर्ध्य आपतित होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर इसका नेक्स्ट वाला देख लीजिए, ये आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, हालांकि मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर रमन प्रभाव, जूम कर दे रहा हूँ एक सेकेंड। हाँ, रमन प्रकाश क्षमता रखता है, जीमान इफेक्ट में। ठीक है, तो बस आज हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे 40 क्वेश्चन के आसपास कल। वो पीडीएफ नहीं होगी, वो हैंड राइट्स होगा, हैंड रिटन होगा, जिससे आपको 40 क्वेश्चन में समथिंग मिलेंगे, कम से कम मिलेंगे 40 प्लस 40, मतलब 80 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो फिर आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।